इस कहानी के शुरू में हम टैंग से मिलते हैं। वह काफी ज्यादा फेमस एक्टर है और इसका नाम किसी न किसी स्कैंडल में जरूर आता था। और वैसे ही एक बार फिर से होता है। वो जिस एक्ट्रेस को डेट कर रहा था उसके साथ होने की न्यूज सब तरफ न्यूज में आ गई थी। अब टैंग इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। वो कहता है जल्दी से इस मामले को रफा दफा करो, और साथ ही वो इस एक्ट्रेस को कहता है कि मेरी इमेज खराब मत करना। उसे सबसे ज्यादा अपनी शोहरत से प्यार था, उसे रिश्तों से ज्यादा पैसे प्यारे थे। उसका असिस्टेंट जोयुन उसका एक अच्छा दोस्त भी था। काफी समय पहले ये अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे और ये साथ में काफी सारे ऑडिशंस दिया करते थे। पर कैंग को सक्सेस मिलती है और जोयुन को उसका असिस्टेंट बनना पड़ता है। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी मॉम थी। उसका हमेशा से एक ही सपना था कि वो अपनी मॉम को एक काफी अच्छी जिंदगी दे सके, और उसने वैसा करके दिखाया था। उसके पास काफी सारी सक्सेस थी और सब लोग उसे जरूर जानते थे। उसका डॉक्टर भी उसका काफी बड़ा फैन था। वो ज्यादा अच्छा एक्टर नहीं था, बस वो काफी ज्यादा मशहूर था, इसलिए सब लोग उसके साथ काम करते थे। और इस सफर में जोयुन हमेशा उसके साथ था। उसे उसकी सक्सेस से कभी भी जेलसी नहीं हुई, उसने हमेशा उसे सपोर्ट किया। इसी बीच एक दिन वो काफी ज्यादा खुश होता है, इसलिए सेलिब्रेशन के लिए ये उस जगह पर जाते हैं जहाँ ये काफी पहले जाया करते थे। इसी बीच कैंग की नजर एक दीवार पर जाती है और उसे याद आती है सोही की। सोही उसकी गर्लफ्रेंड थी, उससे उससे काफी ज्यादा प्यार था, पर इनका ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद से कैंग काफी ज्यादा अकेला हो गया। और आज क्रिसमस के समय भी वो काफी ज्यादा अकेला था। जोयुन उसे टैक्सी में ड्रॉप कर देता है। उसे भी अपनी फैमिली के पास जाना था। वो अपनी फैमिली को ज्यादा समय नहीं दे पाता था क्योंकि सारा समय वो कैंग के साथ रहता था। इसी बीच कैंग से वो टैक्सी वाला बात करने लगता है। उसे कहते कितनी अच्छी शाम है और ये जिंदगी भी कितनी अमेजिंग है, पर इस वक्त भी तुम काफी ज्यादा अकेले हो। उसे कहता मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ, जब तुम सोकर उठोगे तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली होगी। कैंग उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, पर अगले दिन जब वो सोकर उठता है उसके सामने दो बच्चे होते हैं और साथ ही सोही होती है। वो सोही से कहता है कि तुम मेरे सामने कैसे आ गई और ये सब क्या हो रहा है। सोही उसे कहती है उठ जाओ, तुम फिर से पीकर आए थे, ये सब नहीं चलेगा। ये सब देखकर कैंग को कुछ भी समझ नहीं आता। वो जल्दी से बाहर जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी गाड़ी भी चेंज हो गई है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद जल्दी से वो अपने घर में जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके घर में कोई और है। इसके बाद काफी सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है और उसको पुलिस अपने साथ में ले जाती है। वो सबसे कहता है उसे कुछ भी याद नहीं है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी सोही को बुलाया जाता है। पुलिस उसे बताती है कि इसे कुछ भी याद नहीं है, शायद इसको कोई चोट आ गई है या ऐसा कुछ, आपको इनसे आराम से बात करनी होगी। इसके बाद कैंग सोही से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। बस सोही को उस पर काफी गुस्सा आता है। और तभी कैंग को रियलाइज होता है कि पिछली रात उसे टैक्सी वाले ने कुछ कहा था और शायद इसी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। वो सोही से फिर से पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं काफी फेमस एक्टर हूँ। सोही उसे कहती है ज्यादा परेशान मत करो मुझे, चुपचाप अंदर आ जाओ। इस बीच कैंग की बेटी उसके पास आती है। उसे कहते आप ऐसे क्यों पेश आ रहे हो, आपकी वजह से सब परेशान हो गए हैं। इस बीच कैंग का बेटा उसके पास आता है, पर कैंग को उस पर जरा भी प्यार नहीं आता। उसे तो पता भी नहीं था कि सब कौन है। इस बीच उसे सोही कहती है कि उसे अपने स्टूडियो जाना है। दरअसल सोही एक आर्टिस्ट थी और सारा दिन वो अपने स्टूडियो में रहती थी। इसके बाद कैंग को अपने दोनों बच्चों को संभालना था, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। उसके बच्चे उसके साथ खेलना चाहते थे, पर कैंग को समझ ही नहीं आता कि वो क्या ही करे। वो अपने डॉक्टर के पास जाता है। उसे कहता है प्लीज मुझे पहचान लो, और उसका डॉक्टर भी उसे पहचान नहीं पाता। और इसी बीच उसे रियलाइज होता है कि इस दुनिया में वो एक छोटा सा एक्टर है, उसे ज्यादा लोग नहीं जानते। वो सोही से कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। सोही उसे बताती है तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो। इसी बीच रात को सोही को रियलाइज होता है कि कैंग ने काफी सारा परफ्यूम लगाया है। उसे ये चीज काफी अजीब लगती है। उसे तो कैंग की आदत थी, पर कैंग के लिए सब काफी नया था, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा था। इसके बाद जब सुबह होती है उसके बच्चे उसके पास आते हैं, और ऐसे ही उसके काफी सारे दिन गुजरते हैं। वो सारा समय बस बच्चों के साथ में रहता और उसे ऐसा लगता कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी फैमिली को छोड़कर किसी को उसे कोई मतलब नहीं था। उसे बस आशा थी कि जल्दी से ये सब खत्म हो जाए। इस बीच एक दिन उसे पता चलता है कि इस दुनिया में जोयुन काफी ज्यादा फेमस है, वो काफी मशहूर एक्टर है। और ये सब देखकर उसके पास जाता है। उसे कहता तुम इतना अलग क्यों लग रहे हो, तुमने कोई सर्जरी करवाई है क्या, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे बच्चे और ये सब लोग कहाँ पर है, तुम्हें जरूर कुछ पता होगा। जोयुन को समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है। उसे तो बस इतना पता था कि उसका काफी पुराना दोस्त है। उसे शुक्रिया कहता है। वो कहता है काफी समय पहले हमारे साथ में ऑडिशन थे और सोही इस कंट्री से जा रही थी, तुमने ऑडिशन को छोड़ दिया और सोही को हमेशा के लिए रोक लिया। उसके बाद वो रोल मेरे पास आ गया और कहीं ना कहीं मेरी सक्सेस आज तुम्हारी वजह से है। उसे रियलाइज होता है कि सोही को बाहर जाना था, उसे एक बड़ा सा आर्टिस्ट बनना था, पर सिर्फ कैंग के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। वो सोही से पूछता है कि क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं होता। तो सोही
मम्मी से कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास तुम हो, इतनी सारी यादें हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। और इस बार गैंग को रियलाइज होता है कि उसने हमेशा से सिर्फ सोही से प्यार किया, बेशक वो किसी भी दुनिया में था। इसी बीच एक दिन उसकी मॉम उसे मिलने आती है। वो गैंग से कहती है कि तुम कोई जॉब क्यों नहीं करते, तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम्हें पैसों की जरूरत है। गैंग उसे कहता है मैं किसी की जॉब नहीं कर सकता, एक्टिंग मेरा पैशन है। उसकी मॉम कहती है कि तुम अपने पापा के जैसे हो, उन्होंने भी सारी जिंदगी बस यही सब किया, वो भी सारी जिंदगी बस ऑडिशन ही देते रहते थे। अब जाते समय उसे कुछ पैसे देती है। वो गैंग से कहती है कि बस अपना ध्यान रखना और हो सके तो अपने पापा से मिलने जरूर जाना। उसके पापा दरअसल काफी समय पहले गुजर गए थे और उसे अपने पापा से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। वो सारा समय अपनी फैमिली से दूर रहे और उनके गुजरने के बाद उन्हें दफना दिया गया और गैंग कभी उनके पास नहीं जाता था, सिर्फ सोही और उसके बच्चे जा पाते थे। इसी बीच वो काफी सारे ऑडिशन देता है पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसी बीच जोयुन उससे कहता है कि कैसा होगा अगर तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ, तुम्हें पैसों की जरूरत है और मुझे भी तुम्हारी कंपनी पसंद है। पर गैंग उसे मना कर देता है, उसे कहता मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और इसी बीच उसके बेटे को काफी ज्यादा चोट आती है, उसे जल्दी से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसी बीच वहाँ सोही आती है और गैंग को रियलाइज होता है कि सोही जॉब कर रही है और उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। सोही उसे कहती कोई बात नहीं, हमें पैसों की जरूरत है। और इसी पर गैंग को रियलाइज होता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसलिए वो जोयुन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे रियलाइज होता है कि दूसरी दुनिया में जोयुन ने उसके लिए कितना कुछ किया था। और इसी बीच जोयुन का नाम एक स्कैंडल में आता है, वो किसी एक्ट्रेस को डेट कर रहा था। वो गैंग से कहता है कि सबको मना कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर गैंग उसे कहता है ऐसा करना सही नहीं होगा, इसलिए जोयुन इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस वजह से उसकी काफी तारीफ होती है। सबको काफी अच्छा लगता है कि उसने पब्लिक के सामने किसी को एक्सेप्ट किया, सब लोग उसे जेंटलमैन कहते हैं। इसी बीच उसे एक मूवी का ऑफर आता है। वो गैंग से कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ऐसे छोटे मोटे रोल्स नहीं कर सकता। पर गैंग उसे कहता है काफी अच्छी मूवी है, मुझे लगता है तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, इससे तुम्हारी काफी तारीफ होगी। इसलिए जोयुन इस मूवी को एक्सेप्ट कर लेता है। इसी बीच जोयुन को सुनाई देता है कि कैरेक्टर गायब है, इसलिए वो डायरेक्टर से कहता है कि इस रोल को गैंग कर सकता है और इसी वजह से उसे वो रोल दिया जाता है। उसकी काफी ज्यादा तारीफ होती है और जैसे जैसे समय गुजरता है उसे काफी सारे रोल्स मिलते हैं। उसकी फैमिली को उस पर काफी नाज होता है। इसके साथ 2-4 महीने गुजरते हैं और गैंग को ये सब काफी अच्छा लगने लगता है। उसे फैमिली और किसी के साथ का मतलब समझ आता है। उसके पास पैसे भी काफी इंक्रीज हो गए थे, वो अपनी फैमिली को सब कुछ देना चाहता था जो वो इतने समय से नहीं दे पाया। इसी बीच वो सोही से कहता है कि कैसा होगा अगर हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। तो सोही उसे ऐसा करने से मना करती है, वो कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने ही डिसाइड किया था कि हम उस घर में रहेंगे और नेचर के पास में रहेंगे, तुम सिर्फ पैसे की बातें क्यों कर रहे हो। गैंग उसे कहता है सब तुम्हारे लिए है, ये सब कुछ मेरे लिए नहीं है, मैं तुम सबको खुश रखना चाहता हूँ। इसी बीच इनमें काफी सारी बहस होती है, इनके बच्चों को काफी अजीब लगता है। इसके बाद ये वापस जाते हैं और रात के समय सोही गैंग से कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत है, पिछले इतने सारे सालों में ये घर मेरा सब कुछ था, ये फैमिली मेरे लिए सब कुछ है, हमने साथ में इतनी सारी मेमोरीज बनाई, हमारे पास पैसे नहीं थे पर एक दूसरे का साथ हमेशा से था। और गैंग को भी रियलाइज हो गया था कि पैसे से ज्यादा उसके लिए उसकी फैमिली जरूरी है। इसके साथ उसका करियर काफी अमेजिंग हो जाता है, उसके काफी सारे फैंस बनने लगते हैं और इस सफर में जोयुन हमेशा उसके साथ था, वो हमेशा उसे सपोर्ट करता था, वो सही मायने में उसका अच्छा दोस्त था। और गैंग को भी समझ आता है कि जोयुन कितना अमेजिंग इंसान है, जब वो दूसरी दुनिया में था तब भी वो उसके साथ में था, वो हमेशा उसका एक अच्छा दोस्त बन के रहा। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट हो गई है, उसे पता भी नहीं चला कि कैसे एक साल गुजर गया और क्रिसमस फिर से उसके सामने था। इसी बीच वो जोयुन से अलविदा कहता है और उसके सामने एक टैक्सी आती है और तभी उसे रियलाइज होता है ये तो वही टैक्सी है जो एक साल पहले उसके सामने आई थी। ये टैक्सी वाला उसे कहता है कि तुम्हारा समय खत्म हो गया है, अब हमें वापस जाना होगा, मैं तो बस तुम्हें सिखाना चाहता था कि फैमिली क्या होती है। उसे बताता है कि काफी समय पहले उसकी भी एक फैमिली थी, उसकी पत्नी और बेटा थे, पर वो हमेशा अपने करियर में बिजी रहा अपने आखिरी समय तक। उसकी मौत हो गई और उसे हमेशा रिग्रेट होता है कि काश उसने क्रिसमस का दिन अपनी फैमिली के साथ जिया होता, काश उस दिन ऑडिशन में नहीं होता। और तभी गैंग को रियलाइज होता है कि ये तो उसके पापा हैं। उसके पापा उसे कहते हैं कि अब हमें वापस जाना होगा, कल सुबह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद गैंग वापस आता है, उसके पास कोई भी सलूशन नहीं था, वो बस समय को रोकना चाहता था, वो अपने
अपनी फैमिली को अपने साथ ले जाना चाहता था और तभी सोही उसे एक पुरानी फोटो देती है। ये फोटो उसके और उसके पापा की थी। उसे याद आता है कि कैसे उसके पापा उसके साथ में नहीं थे और अब वापस आकर उन्होंने उसे इतना बड़ा लेसन दिया। अब रात को सोने का समय आता है, उसे सोने का मन नहीं होता। वो काफी देर तक नहीं सोने की कोशिश करता है पर वैसा हो नहीं पाता और कुछ ही देर में अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला जाता है। और तभी जोयुन उसके पास आता है और तभी कैंग को रियलाइज होता है कि उसे सब कुछ ठीक करना होगा। वो जोयुन से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम एक्टिंग शुरू करो। इसके बाद उसे पता चलता है कि सोही इसी कंट्री में है। वो ज्यादा सोचता नहीं, इस समय बस वो इतना जानता था कि उसे सोही से मिलना होगा। उसकी एग्जीबिशन हो रही थी, इस बीच उसकी नजर एक पेंटिंग पर जाती है। इस दुनिया में सोही उसे काफी समय के बाद मिली थी। कैंग उसे पूछता है कि तुमने ये पेंटिंग कैसे बनाई। सोही उसे बताती है कि बस उसके मन में एक तस्वीर आ गई थी, इसलिए उसने इस पेंटिंग को बनाया। कैंग उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और कुछ ही देर में इस घर के सामने होते हैं जो दूसरी दुनिया में इन दोनों का घर हुआ करता था। इसी बीच वो सोही से कहता है कि तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी पर मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। वो सोही को सब कुछ बताता है और कुछ ही समय में हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं और इन दोनों के दो प्यारे से बच्चे हैं। उसके पापा ने जो उसे सिखाना चाहा उसे समझ आ गया था। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।